गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। तो हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला जो चैप्टर है उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। मैं वापस से तुमको याद दिला दूं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करने की, यानी कंज्यूमर को कहाँ ऐसा लगेगा हाँ उसको सेटिस्फेक्शन है, इसको फाइंड आउट करने की दो मेन अप्रोच है। और वो दो अप्रोच कौन कौन सी है? पहली अप्रोच कौन सी है? कार्डिनल। और दूसरी अप्रोच कौन सी है? ऑर्डिनल। अब कार्डिनल को हम लोग क्या बोल सकते हैं? यूटिलिटी अप्रोच भी बोल सकते हैं। कार्डिनल को हम क्या बोल सकते हैं? यूटिलिटी अप्रोच भी बोल सकते हैं। अब इसमें मैंने आपको कल बताया कि गोसेंस फर्स्ट लॉ है, जो जर्मन इकोनॉमिस्ट है जिसने एक लॉ दिया है। उसने लॉ क्या दिया है? लॉ ऑफ DMU। DMU मतलब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या दिया है? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और ये लॉ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये लॉ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे जैसे हम कोई चीज़ का कंजम्पशन बढ़ाएंगे, मान लो ये कमोडिटी है, कोई कमोडिटी है, तो कमोडिटी जैसे जैसे हम इसका कंजम्पशन बढ़ाएंगे, वैसे वैसे क्या होता जाएगा? उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी जो है, वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। मतलब उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन तो बढ़ेगा, लेकिन वो घटती हुई रेट से बढ़ेगा। जैसे आप जलेबी खा रहे हो, तो पहली जलेबी खाने में मान लो आपको आनंद आया 10 यूनिट का, उसको नंबर दे दिया 10 आपने। दूसरी जलेबी खाने में आनंद उतना नहीं आएगा जितना पहली वाली के लिए आपकी इच्छा थी। जो पहली वाले के लिए जो आपकी इच्छा थी, उतनी दूसरी वाले के लिए इच्छा आपकी नहीं होगी। दूसरी वाले के लिए इच्छा क्या हो जाएगी? कम। तीसरी के लिए कम, चौथी के लिए और कम, पांचवी के लिए और कम, छठी के लिए और कम, सातवीं के लिए और कम, और आठवीं के लिए तो और भी कम। मतलब कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? जैसे जैसे आपका कंजम्पशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होने लग जाती है? कम होने लग जाती है। अब ये जो आपने लॉ समझा है, इस लॉ पर आगे की पूरी लॉ चल रही है। लॉ मतलब बत्ती वाली लॉ। कि कैसे? देखो, अभी मैं इस चैप्टर में क्या दे रखा है वो बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अब आपको चैप्टर से अलग हट के बात कर रहा हूँ। अब मैं अलग हट के क्या बात कर रहा हूँ कि यहीं पर आपको एक छोटी सी साइकोलॉजी समझने की कोशिश करो कि कोई भी चीज़ कंज्यूमर, जैसे पहली यूनिट खरीदी, तो पहली यूनिट के लिए जितना उस पैसा देने के लिए रेडी होगा, उतना दूसरी यूनिट के लिए रेडी नहीं होगा, उतना तीसरी यूनिट के लिए रेडी नहीं होगा, उतना चौथी यूनिट के लिए रेडी नहीं होगा। मतलब कि वो जितना ज़्यादा आप अवेलेबल करवाओगे, उतना ही वो, या जितना ज़्यादा अमाउंट आप बढ़ाना चाहते हो उसके लिए उसकी उतनी ही विलिंगनेस क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। आप कोई चीज़ मान लीजिए, आप कोई चीज़ चाहते हैं कि भाई आप एक ही यूनिट बेचें, है ना, तो आप 100 रुपये में भी उसको, मान लो कोई भी सामान है, 100 रुपये में आप उसको बेच रहे हो, और 100 रुपये में बेच रहे हो, और आपको अंदाजा है कि वो 100 रुपये में, मान लो लगभग 100 रुपये में बेचोगे तो 2 यूनिट बिक जाएगी। आप ज़्यादा बेचना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा आपको? उसकी प्राइस कम करना पड़ेगी, क्योंकि प्राइस कम करोगे तो उसका जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो लेवल, और जो आप पेमेंट कर रहे हो वो वाला लेवल क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। उसकी उपयोगिता भी कम, तो उसके पैसे भी कम लग रहे हैं, तो वो खरीद लेगा। लेकिन उसकी उपयोगिता कम है और पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, तो वो नहीं खरीदेगा। ये आपके दिमाग में सवाल है, आपको बात समझ में नहीं आई है, मैं जानता हूँ। पर अब जब आप ये दोनों चैप्टर पढ़ेंगे और डिमांड जब पढ़ेंगे, तब तक ये बात आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी। ठीक, तो फिलहाल आप क्या पढ़ रहे हैं? लॉ ऑफ DMU। और लॉ ऑफ DMU में आप लोगों ने कल पढ़ चुके हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है और टोटल यूटिलिटी क्या होती है। मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में क्या कनेक्शन है? 10 और प्लस कितना हो गया? 18। 18 और 6 कितना हो गया? 24 और 4 कितना हो गया? 30। इसको यदि एक ग्राफ पर प्लॉट करें तो कैसा ग्राफ बनाएगा? ग्राफ पर हम प्लॉट कर रहे हैं,
ठीक है। तो हम जो है यहाँ पर मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये हमने यूनिट्स लिख रखी है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मैं काम करता हूँ टोटल यूटिलिटी इस पर बना लेता हूँ और मार्जिन यूटिलिटी एक नीचे अलग कर्व बना लेता हूँ, ठीक है। अरे ठीक है भाई, हाँ ठीक है। ये 1 यहाँ पर क्या हो गया, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, 6 यहाँ पर, 7 यहाँ पर, 8 ऐसे ही है कुछ, थोड़ा सा उधर जा रहा है। अरे ऐसे ही है कुछ कुछ, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें मान लो बनाना है MU करो, कौन सा करो बनाना है, MU। इधर क्या बनाना है, TU। तो TU तो कहाँ तक जा रहा है, TU जा रहा है आपका 30 तक, है ना। तो मैं 5-5 की गैप ले लूँ, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 5, 10, 15, 20, 25 और 30। अब आप ये कर्व बनाओ, फिर MU कर्व बनाना, तो MU कहाँ तक जाएगा, MU में मैक्स टू मैक्स 10। तो यहाँ पे मैं क्या रख लूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6, 8 और 10, हो गई बात। अब इन दोनों पर आप जो है एक कर्व प्लॉट करो, एक कर्व जो है आपको प्लॉट करना है, आप खुद को करना है, ठीक है। ये आप पहले कर चुके हैं, कल ही हम कर चुके हैं, एक बार वापस से इसको करो, आप प्रैक्टिस करो तुरंत। चलो बनाया होगा आपने इसका कर्व, ओके आपने कर्व बनाया होगा, तो अल्टीमेटली आप इस कंक्लूजन पे पहुंचे होंगे कि ये 10 से स्टार्ट हो रहा है और -4 तक जा रहा है। तो ये यहाँ मान लो ये 0 है, तो ये -2 हो गया और ये -4 हो गया। तो 10 से स्टार्ट हो रहा है और 0 कहाँ पर हो रहा है, 6 पर हो रहा है। तो 6 पे क्या हो रहा है, 0। ये जो जहाँ 0 है उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेचुरेशन, क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेचुरेशन। तो 10 से स्टार्ट हो रहा होगा और ये जा रहा होगा आपका इस तरीके से, यहीं से कर्व बन रहा होगा। ये कौन सा कर्व है, ये कौन सा कर्व है, अरे यहाँ पर 8 होगा, यहाँ पर 6 होगा, ये 4 होगा, ये 2 होगा, फिर है ना ये 0 होगा, ये -2 होगा, यहाँ पर -4 होगा, ऐसे ही है। यानी कि यदि ये जो बढ़ेगा टोटल यूटिलिटी कर्व, ये 10 से मन के यहाँ से 10 से स्टार्ट होगा और उसके बाद में कहाँ तक बढ़ता रहेगा, 6 यूनिट तक बढ़ता रहेगा, है ना, 6 यूनिट तक बढ़ता रहेगा। यानी कि 6 यूनिट हाईएस्ट होगी इसकी, है ना। तो आप मैं 0 से स्टार्ट कर देता हूँ इसको, 1 पर जो है 10, 1 पर 10 मैं यहाँ से कर देता हूँ, ठीक है। तो 1 पर 10 और वहाँ तक जो है वो बढ़ता ही रहेगा, है ना, वहाँ पर तक जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ता ही रहेगा। देखो पहले जो मैंने कल बता रहा था आपको, कल मैं सिखा रहा था आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बनाना, अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इस मतलब फ्री हैंड सिखा रहा हूँ। फ्री हैंड बना सकते ना आप, क्यों, ये कौन सा कर्व बना, टोटल यूटिलिटी कर्व बना, टोटल यूटिलिटी कर्व बना। अब ये सब चीज़ें जो हम समझ रहे हैं सब क्या है, ये सब चीज़ें जो हम समझ रहे हैं ये सब ये है कि कोई चीज़ है, मान लो कोई चीज़ है, उसका नाम क्या है, एक्स है, क्या नाम है, एक्स है। उसको यदि हम कंज्यूम करें तो उसके कंज्यूम करने से हमें कंज्यूम करने से हमें कुछ यूटिलिटी मिलेगी, कुछ यूटिलिटी मिलेगी, और उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी उसका नेचर कैसा होगा, डिक्लाइन होगा, कैसा होगा, डिक्लाइन। आज तो टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, कोई भी चीज़ आप ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है आपको ज़्यादा तो फील होगा ही, लेकिन एक थोड़ी आ गई उसके बाद उसकी इच्छा कम हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आपका स्कार है ना, बहुत अमीर आदमी है आप, मान लो ऐसा दो मिनट के लिए, आप बहुत अमीर आदमी है, ठीक है, एक कार लाए तो दूसरी कार लाने की इतनी इच्छा नहीं रहेगी, है ना, दो कार ले आए तो तीसरी कार की कोई इतनी इच्छा नहीं रहेगी, पर सस्ते मिल जाए तो तीसरी भी ले सकते हैं क्योंकि बहुत अमीर आदमी है, और कम में दे दे तो और भी ज़्यादा आप ले सकते हैं। पर लेकिन आपके लिए उस कार को खरीदने की उपयोगिता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यूटिलिटी, यूटिल्स, ये क्या है, यूटिल्स, हम किस में नाप रहे हैं इसको, यूटिल्स में। तो हमारे लिए यूटिल्स क्या होते जा रहे हैं, उसके
कम होते जा रहे, ये सब क्या है, इमेजिनरी थिंग है। ठीक, अब मैं आपको जो समझाने वाला हूँ, डस्टर देना, मैं आपको समझाने वाला हूँ, समझाने क्या वाला हूँ, अब मैं आपको इसमें समझाने वाला हूँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। आई होप कि आपको यहाँ तक की बात तो क्लियर हुई होगी। यहाँ तक की बात क्या थी कि जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं, ऐसे ऐसे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, कम होती जाती है। ये किसकी बात कर रहे हैं, कमोडिटी एक्स की बात कर रहे हैं। अब जैसे हम बात कर रहे हैं एक्स की बात कर रहे हैं, एक्स कमोडिटी की बात कर रहे हैं, इस तरीके से हम पैसे की भी बात कर सकते हैं। पैसे की बात कर सकते हैं, कर सकते हैं, अरे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो मैं मान रहा हूँ कि जो मनी की जो वैल्यू है, एक रुपये की वैल्यू एक रुपये ही मान लेते हैं। एक रुपये की वैल्यू कितनी मानते हैं, एक रुपया ही मान लेते हैं। एक रुपये की वैल्यू कितनी मान लेते हैं हम, एक रुपया। ठीक, तो मार्जिनलिटी आप एक तो अपने पास आ गई। अब हम क्या कर देते हैं कि मार्जिनलिटी ऑफ एक्स को हम डिवाइड कर देते हैं, मार्जिनलिटी ऑफ मनी से डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मनी से डिवाइड कर देते हैं। अब मार्जिनलिटी ऑफ मनी को मैंने एक रुपये की वैल्यू एक रुपये ही माना है। क्या माना है, एक रुपये की वैल्यू को एक ही माना है। अब आप चाहो तो थोड़ा आपको कन्फ्यूजन नहीं, इसलिए मैं एक काम करता हूँ, एक रुपये की वैल्यू को मैं दो रुपये मान लेता हूँ। क्या मान लूँ, दो रुपये, क्योंकि वो एक रुपये में आपको समझ में नहीं आएगी बात, आपको लगेगा इसमें मतलब क्या था। तो मैं एक काम करता हूँ, MUM मैं क्या मान रहा हूँ, MUM मार्जिनलिटी ऑफ मनी मान लेता हूँ कितनी, एक रुपये की वैल्यू कितनी है, दो MUM है, कितनी है ना, एक रुपया बराबर कितना हो गया, एक रुपया बराबर दो MUM क्या हो गया, दो MUM, ऐसा मैं मान रहा हूँ। एक रुपया बराबर क्या मान रहा हूँ मैं, दो MUM। MU क्या है, यूटिलिटी। भाई एक रुपये की वैल्यू को आप दो पॉइंट दे रहे हैं, एक रुपये को कितने पॉइंट दे रहे हैं, दो पॉइंट दे रहे हैं। तो इसको आप डिवाइड करो इससे, किससे, टू से, टेन को टू से डिवाइड कितना आएगा, आठ को दो से डिवाइड करो कितना आएगा, फिर ठीक है। ये मैंने क्यों किया, ये हमने खाली बस ये कि हम एक रुपये की वैल्यू दो मांग रहे थे, इसलिए हमने सब लिख दिया, ऐसा कोई ज़्यादा सेंस नहीं है। अब मान लो कि कोई चीज़ आ रही है, कितनी की आ रही है, उस चीज़ की प्राइस जो है वो चीज़ आ रही है, मान लो कोई चीज़ आ रही है, कोई चीज़ है वो जो है पी जो है एक्स जो है वो उसकी प्राइस है मान लो दो रुपये, कितनी है, दो रुपये, कितनी है, दो रुपये, दो रुपये, दो रुपये, दो रुपये, दो रुपये। तो अब हमें ये बताना है कि कंज्यूमर कितनी यूनिट इस चीज़ की खरीदेगा। आपके सामने मार्जिनलिटी दे रखी है, उसको हमने मार्जिनलिटी बनी से डिवाइड भी कर दिया, तो ये वाली कुछ वैल्यू आई। अब हमें तय करना है कि यदि मान लो वो चीज़ दो रुपये की है तो कंज्यूमर कितनी खरीदेगा। मैं एक बात शुरुआत से आपको बता जा रहा हूँ, यहाँ कंज्यूमर क्या करता है, साइकोलॉजिकली सोचता है कि जितना मैं पैसा दे रहा हूँ इतना मुझे वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ऐसा वो सोचता है, ऐसा वो सोचता है। तो उसको जो वैल्यू मिल रही है वो ये है, और जो दे रहा है वो ये है। तो कितनी यूनिट खरीदेगा ये बताना हमको, बताऊँ मैं कितनी खरीदेगा, नहीं बता दूँ, देखो यहाँ पर उसको वैल्यू मिल रही है फाइव की, कितनी मिल रही है, फाइव, और पैसे देने कितने पड़ रहे, दो रुपये ही देना पड़ रहा है। तो यहाँ पर वो खरीदना बंद कर देगा क्या, नहीं, दो रुपये ही उसको लग रहे हैं कि दो रुपये ही लग रहे हैं यार, और पाँच रुपये की चीज़ आ रही है ना। जैसे अभी मैं गया था मार्केट में तो संतरे जो है वो सस्ते चल रहे थे, संतरे का आमतौर मैं सोच रहा था कि 30-35 रुपये किलो तो होंगे कम से कम, और वहाँ पर मुझे संतरे 15 रुपये किलो मिल गए। तो मैं लेने वाला था, वो कुछ कम लेने वाला था, मैं एक आध दो किलो का विचार था, मैं 5 किलो लेकर गया,
क्यों लेके आ गया? क्योंकि जो चीज़ की मैं सोच रहा था कि 35 रुपये में 40 रुपये मिलेगी, वो चीज़ कितने मिल रही है? 15 रुपये में। इसी टाइप से एप्पल भी, अभी क्योंकि फ्रूट वगैरह लेना ही थे मुझे, तो एप्पल जो है आमतौर पर सोचता है व्यक्ति कि 100-150 रुपये किलो होगा, और अभी इत्तेफाक से अभी सस्ते चल रहे हैं आइटम, 100 रुपये किलो मिलना चाहिए, लेकिन ऑन एवरेज एप्पल मिल रहे 40 रुपये किलो। तो मैं 1 किलो लेने गया था तो मैं 2 किलो लेकर आ गया। ऐसा आपके साथ भी होता होगा। मैं यही कह रहा हूँ कि 5 रुपये, 5 की वैल्यू मिल रही है आपको, 5 ड्यूटीज मिल रहे हैं आपको, या 5 वैल्यू मिल रही है आपको, और पैसा कितना लग रहा है? 2 रुपये ही। तो अभी आप खरीदोगे क्योंकि आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि 3 का फायदा हो रहा है, तो अभी यहाँ खरीदना बंद नहीं खरीदोगे। फिर यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे कितना मिल रहा है आपको, 4 की वैल्यू मिल रही है, लग कितने 2 रुपये, तो 2 का फायदा भी यहाँ पर भी हो रहा है, अभी भी खरीदना बंद नहीं खरीदोगे। फिर यहाँ पे आपको लग रहा है कि 3 लग रहे हैं और 2 रुपये लग रहे हैं और 3 का चीज़ मिल रही है, तो यहाँ पर भी आपको 1 का फायदा है। जब तक आपको फायदा होगा तब तक तो आप चीज़ें ज़्यादा खरीदेंगे। भाई मान लो 15 रुपये किलो के मेरे संतरा थे, तो मैं यूँ गया था कि ज़्यादा 1-2 किलो ले लूँगा। 2 किलो के मेरे दिमाग में क्या चल रहा था कि 2 किलो के मतलब 70-80 रुपये लगना चाहिए। मैं अभी फ़िलहाल के लिए मान लो कि मेरे दिमाग में चल रहा होगा कि भाई 80 रुपये लगेंगे। अब मुझे जो है चीज़ 15 रुपये किलो मिल रही है, तो मैं कितने किलो ले लूँगा अंदाजन बताओ? तो 15×75 ही हुआ, कम से कम 5 किलो तो ले ही लूँगा मैं, और बल्कि और 5 रुपये और बढ़वा लूँगा, ऐसा भी हो सकता है, पर 5 किलो तो मिनिमम ले ही लूँगा, तो क्योंकि मुझे लग रहा है कभी और सरप्लस है यार। मैं 80 रुपये के लगभग लेकर आया था घर से, 75-80 रुपये जो भी लेकर आया हूँ, और मुझे अभी भी फायदा मिल रहा है, ऐसा सोचता है, सोचता है व्यक्ति। ऐसा कहीं लिखता नहीं है, ऐसा कोई दिखता नहीं है, लेकिन ऐसा व्यक्ति सोचता जरूर है जब भी कोई चीज़ खरीदने जाता है। हम उसकी दूसरी बात नहीं कर रहे हैं कि दूसरा क्या सोच रहा है अंदर मन में, वो जैसे तू सोच रहा है अभी, है ना, वो ऐसी वाली बात नहीं, वो क्या सोच रहा है उस चीज़ को लेकर के, पैसे भी बच रहे हैं अभी, फायदे है, सस्ता मिलेगा तो वो क्या है ऑटोमेटिक मन में क्या बनता है, सरप्लस की भावना बनती है। तो इसको आप गेन बोल सकते हो या सरप्लस बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? सरप्लस। तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि अभी सरप्लस मिल रहा है, लेकिन अब यहाँ देखो कि 2 रुपये की चीज़ है और 2 रुपये ही लग रहे हैं, यहाँ सरप्लस है क्या? नहीं है। अब वो क्या करेगा? अब यहाँ पर रुक जाएगा, यानी कि वो कितनी चीज़ खरीदेगा, कितनी चीज़ खरीदेगा, वो 4 चीज़ें खरीद लेगा। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कौन से लेवल पर होगा? जब वो 4 यूनिट खरीदेगा। क्यों? क्योंकि उस समय उसको लगने वाली प्राइस और जो उसको मिलने वाली यूटिलिटी है वो क्या होगी? सेम होगी। इसको मैं एक फार्मूले के थ्रू यदि बताऊं तो जहां पर MUX/MUM, ये यहां से लिया मैंने, है ना, ये क्या हो, ये ज़्यादा हो PX से, तो वहाँ पर तो क्या होगा कि कंज्यूमर और ज़्यादा खरीदी करेगा। लेकिन जहाँ पर क्या हो जाए MUX/MUM हो जाए किसके बराबर, प्राइस के बराबर, तो वहाँ पर क्या होता है कंज्यूमर रुक जाता है। कंज्यूमर कैसा फील करता है वहाँ पर? बराबर, कि यार मैं जितना पैसा दे रहा हूँ इतनी मुझे वैल्यू मिल रही है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कौन सी पोजीशन पे होगा जब ये सिचुएशन आएगी? कंज्यूमर यहाँ पर भी इक्वेशन में होगा क्या? यहाँ तो घाटे में फील कर हो रहा है उसको, उसको ऐसा लगा कि मुझे वैल्यू 1 की मिल रही है और पैसे 2 रुपये दे रहा हूँ, वैल्यू 0 मिल रही है पैसे 2 रुपये दे रहा हूँ, तो ये आगे खरीदेगा क्या? 5, 6, 7 खरीदेगा क्या? नहीं खरीदेगा वो। तो MUX/MUM इज नॉट इक्वल टू PX या इज लेस देन PX, ठीक। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन कहाँ बनती है? जहाँ पर क्या होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, कहाँ होता है, कहाँ होता है? जहाँ पर MUX/MUM इज इक्वल टू क्या होता है? PX होता है। अभी हम पढ़ रहे थे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 1 कमोडिटी, इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, और सिंगल कमोडिटी के केस में कंज्यूमर फील इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर को ऐसा लगता है कि हाँ मैं संतुष्ट हूँ,
और वो जगह कौन सी होगी, वो जगह होगी 4 यूनिट्स। कितनी यूनिट्स होगी? 4 यूनिट्स। क्यों 4 यूनिट्स होगी? क्योंकि यहाँ पर MUx / MUm इज इक्वल टू Px होगा। ये सवाल समझ में आया आपको? ये क्या बात क्या कहना चाहता हूँ, समझ में आई आपको? है ना, आई कि नहीं? आ गई, ठीक। तो आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। आपको इस टाइप को एक दो क्वेश्चन और दे रखे होंगे अपनी बुक में, उसको सॉल्व करें, उसको लिखते जाएं, सर समझ में आती जाएगी बातें। ये समझ में आ गई आपको? ठीक। तो ये था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के साथ वंगर कमोडिटी। हम आगे जो है 2 कमोडिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक, तब तक ले अलविदा, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच, बाय।